मैं तो पहले बहुत डरपोंक थी, इतना डरती थी कि डरने को मैं कहीं दो चार लोग मेरे घर में दीदी चाह गए बैठने के लिए या कोई भी आए तो उनके सामने निकलती नहीं थी। जो हमारे ससुर जी थे वो बोलते हैं कि क्या पढ़ाई करोगे, बेटा तो पढ़ लिया है, तो आप बहू को तो घर के काम करने के लिए हम लोग शादी किए हैं तो नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे करके मना कर दिए। मैं पहले नहीं बोलती थी, कुछ भी भला बुरा बोल देते थे सुनती थी चुपचाप से। देयर इज अ एवरीडे डिस्क्रिमिनेशन दैट दे फेस इन देयर फैमिलीज, दे आर नॉट फ्री, दे आर नॉट इक्वल, बट द अदर प्रॉब्लम इज दैट दे आर फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, सो यू नो फैसिलिटीज और इंटाइटलमेंट्स लाइक राशन और एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन आर अ बिग थिंग फॉर देम। गांव में बदलाव कैसे आ सकता है? क्या अधिकारों की जानकारी होने से महिलाओं को घर और बाहर अपने हक हासिल करने में मदद मिलती है? प्रदान और वी द पीपल ने झारखंड और मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए मिलकर एक प्रयास शुरू किया। यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ लॉट ऑफ पावर टू द सिटीजन, बट वी हैव नेवर एंगेज्ड विद इट, वी हैव नेवर अंडरस्टूड इट, वी हैव नेवर ट्राइड टू यूज इट एज अ टूल। दीदियों को ये जानकारी हो कि नागरिकता क्या चीज है और वो एक नागरिक होने के नाते हम किस किस चीज के लिए एंटाइटल्ड हैं, या संविधान क्या है, संविधान के तहत में हम क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी हैं, या फिर हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं हमारे देश के प्रति या हमारे गांव के प्रति या परिवार के प्रति। तो इन सब जानकारियों को इकट्ठा कराने के हिसाब से, सब जानकारी को बढ़ाने के हिसाब से प्रोग्राम जो था वो चलाया गया था। इस बारे में महिलाओं के साथ गाँव में गहराई से चर्चा की गई। इन चर्चाओं में उन्हें संविधान, नागरिकता और उनके अपने हकों के बारे में जानकारी दी गई। सब चीजें जो है वो संविधान में लिखी हुई है, क्या तरीके हैं, किस तरीके से जो है वो चुनाव होता है, कब चुनाव होता है। ये अपना भारत देश ऐसा दिखता है, तो अपन ये भारत देश में जन्म लिए तो अपन पूरे नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। अब अपन समझते हैं कि जिम्मेदार नागरिक कौन है, कि संविधान जो है हमारे मतलब कानून का एक संग्रह है, इतने बड़े देश को चलाने के लिए सुचारू रूप से कानून तैयार किया गया है जिसमें 300 लोग थे और उसमें 9 महिलाएं थी। समानता मतलब कि हम सब सामान्य हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी जाति अपनी बात रख सकते हैं, ये हमें आज़ादी है। संविधान का जो पहला जड़ है मतलब उसका मूल, चार मूल, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, जैसे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी स्थान के जन्मे हुए हो, सबके लिए बराबर का कानून। महिलाओं को न केवल जानकारी दी गई बल्कि इन जानकारियों का इस्तेमाल करके वे कैसे अपने अधिकारों को पा सकती है ये भी बताया गया। जैसे अपने गांव में ग्राम पंचायत में सचिव लोग हैं, ये अपने को पावर दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? कोई भी हम काम लेके जाते हैं तो बोलते हैं अरे भाई अभी रुकिए, वो अपने पावर का इस्तेमाल दिखाते हैं हम लोगों को और हम लोग शांत रह जाते हैं, हम एक ग्रामीण नागरिक हैं करके। तो ऐसा अपन लोगों को नहीं बनना है जैसे कि ये लोग बने हैं। अपन लोगों को सबको मिलजुल के जो भी काम करना है तो अपन को मिल के करेंगे ताकि अपना काम ज़्यादा अच्छा से होगा और आसानी से होगा और ज़्यादा विकास भी होगा। महिलाओं के इन समूहों ने अपने गांव की अन्य महिलाओं को संगठित किया और उनके साथ भी इन अधिकारों की जानकारियों को बांटा। पर क्या सिर्फ जानकारी मिलने से बदलाव आ जाएगा? क्या महिलाएं सच में इन जानकारियों का इस्तेमाल करके सिस्टम में बदलाव ला पाएंगी? पहला कदम था सही मुद्दे की पहचान करना। हमारे गांव में मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा पानी का दिक्कत होता है तो हम लोग एक एक दो दो किलोमीटर दूर से पानी लेके आते थे, मैं खुद भी जाती थी। इन जानकारियों की मदद से महिलाओं ने अपने आवेदन में सही भाषा का इस्तेमाल किया और साथ ही आवेदन के लिए जरूरी सभी दस्तावेज भी लगाए। तो संविधान के जो भी मौलिक अधिकार हैं अपना, फिर जो अनुच्छेद हैं, धारा हैं, वो सारी चीज हम लोग वहाँ पे नियम कानून के हिसाब से अपना आवेदन बनाए। संगठन ने महिलाओं को अधिकारियों से मिलकर सामना करने की हिम्मत दी।
पर अब बड़ा सवाल ये था कि क्या उनकी आवाज सुनी जाएगी। उसके बाद में फिर आवेदन दिखाए, फिर वो बोले कि संविधान वगैरह का आपने क्या हो गाँव का, ये सारा चीज लगाए हो आप, क्या कौन सी पोस्ट में है। हम बोले कि नहीं, कोई पोस्ट में नहीं है, हम लोग गाँव की सदस्य हैं। वो बोले कि हम जानकारी तो देंगे बोले, लेकिन अभी नहीं दे पाएंगे ऐसे करके। और फिर उन्होंने थोड़ा सा मेरे से बोल दिया था कि आप नहीं बोल सकते ये करके, तो ये बात पैसे मैंने बोला था। मैंने कहा मेरे को बोलने का पूरा अधिकार है कि संविधान की किताब दिखाई, मैंने कहा आप इसमें लिखा है कि मैं अपने अधिकार के लिए भी और दूसरों के अधिकार के लिए भी बोल सकती हूँ, और रही बात जानकारी की तो मैं सूचना के अधिकार के अंतर्गत तो मैं जानकारी ले ही सकती हूँ। जब महिलाओं ने हिम्मत और आत्मविश्वास से अपनी बात रखी तो अधिकारियों को उनकी समस्याओं को सुनना ही पड़ा। लेकिन फिर भी महीने बीत गए और उनकी समस्या पर कोई काम नहीं हुआ। फिर 10-12 दीदी फिर गए, फिर उसमें भी बताए कि सर आप लोग के पास हम लोग आए थे लेकिन अभी तक ध्यान नहीं दिए हो कि क्या बात है ऐसे करके, तो नहीं 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 हो जाएगा। पर इस बार अधिकारियों को महिलाओं की मांग सुननी ही पड़ी और आखिरकार महिलाएं पीने के पानी की सुविधा को अपने टोले तक लाने में सफल हुई। महिलाओं में बहुत बड़ा जागरूकता आई है, इसमें जो है महिलाएं अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों का जो है किस तरह उपयोग कहां कैसा किया जा सके उसके बारे में जो है बहुत जागरूक हो चुकी हैं। इस संघर्ष और उससे हासिल सफलता ने उन्हें एक नया आत्मविश्वास दिया। लेकिन मुझ में एक हिम्मत आ गई है, वो लड़ने की ताकत मुझ में आई है कि मैं भी अपने अधिकार के लिए लड़ सकती हूँ। मैं बोल देती हूँ कि आपका ये अधिकार नहीं, मतलब आपका था अधिकार, जब हमको पता नहीं था तो ऐसा लगता था कि आप परिवार के वो मुखिया हैं, लेकिन मैं लड़ती हूँ अपने परिवार, मुझे भी लगता है कि मेरा भी अधिकार है। इस प्रयास ने ललिता जैसी महिलाओं को समाज में एक नई पहचान बनाने का हौसला दिया। मेरा 2012 में शादी हुई थी, उसके बाद थोड़ा बहस हो गई, बातचीत हो गई, मतलब तूतू मैमे की वजह से बात तलाक तक पहुंच गई हमारी। परेशान करने लगे मेरे पति, मतलब फ़ोन करना, कुछ पिक्चर वगैरह ऐसे डालना, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई क्योंकि मेरे को संविधान के बारे में मालूम नहीं था। इस नए अनुभव ने ललिता को हिम्मत दी और उसने तय किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। जीत हो या हार, वो समुदाय और अपने निजी हकों को पाने की पूरी कोशिश करेगी। तब से मेरे को फिर समझ में आ गया, न हम गलत करेंगे किसी के साथ, न हम गलत सुन सकते किसी का, और जहाँ भी गलत होता है तो उसमें हमको आवाज़ उठाना है और साथ देना है सामने वालों का। मेरे को हिम्मत भी आ गया कि अरे यार, हम तो स्वतंत्र है ही हैं, हम क्यों किसी के प्रताड़ित में रहे हो के घुट घुट के जिए। हम अनुच्छेद 21 का जो हमने पढ़ा था कि देहिक जीवन का प्राण देहिक वाला, इसको पढ़े थे देखे, तो उसमें तो सब लोग स्वतंत्र वो है। तो फिर मैं एक आवेदन बना के थाने में दी। ललिता अंदर से डरी हुई भी थी कि कहीं स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ ना जाए। ललिता के पति को पेशी के लिए आना पड़ा और उसने ललिता को प्रताड़ित करना बंद किया। इस छोटी सी सफलता ने ललिता को आत्मनिर्भर होने की हिम्मत दी। उसे महसूस हुआ कि वो खुद अपनी समस्या को हल करने में सक्षम है। संगठन से मिली इस नई समझ और ताकत ने बहुत सी महिलाओं को अपनी समस्याओं को लेकर शासन के पास जाने का साहस दिया और इस तरह बदलाव की एक लहर चल पड़ी। कुछ प्रयास बाहरी दुनिया में अपने हक को हासिल करने के लिए भी किए, जैसे महिलाओं ने पंचायत में आवेदन जमा किए ताकि पेंशन के पात्र ग्रामवासियों को पेंशन की सुविधा मिल सके। पर यह इतना आसान नहीं था, उन्हें कार्यालयों में घुसने से रोका गया। चपरासी लगे हुए थे वहाँ की, ये भी अंदर मत जाओ, मीटिंग चल रही है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मीटिंग ऐसा करके। तो मैं बोली अगर हम अपने अधिकार के लिए यहाँ दिन भर इनकी मीटिंग का इंतज़ार करेंगे तब तो हमारा टाइम पूरा लॉस हो रहा है, उससे बेहतर मैं खड़ी हुई, जाना चाहिए जैसा भी हो।
महिलाओं ने तय किया कि इधर उधर भटकने की बजाय वे पेंशन योजना के अधिकारियों से सीधे बात करेगी। फिर जमा कर लिए, पास भी हो गया, उनको मिलने भी लग गया, ये सफलता मिली। आवेदन को लेकर के ग्राम सभा में गई और उसके बाद फिर वहाँ बोली यहाँ से मतलब झिंझी टोला रोड से उमरिया रोड तक मतलब ये रोड बनना चाहिए, मुख्यमंत्री सड़क योजना मतलब हमको मिलना चाहिए। फिर वो रोड तो वैसे अभी शुरू हो गई है लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुई है। बाहर आए बदलावों के अलावा कुछ बदलाव उनके अंदर हुए जब उन्होंने अपने नजरिए को बदला। बेटा बेटी मतलब थोड़ा सा था मन में भेदभाव था, लेकिन ये ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे लगा कि नहीं बेटा है बेटी भी है, मैं अब दोनों बच्चों को एक ही स्कूल में एडमिशन दिलवाई हूँ प्राइवेट, वहाँ पे दोनों बच्चे जाते हैं। अब मुझे लगता है कि मेरी बेटी बड़ी होगी तो मैं इस पे कोई दबाव नहीं डालूँगी, जैसे मैं अपने बेटा को सम्मान दूँगी वैसे बेटी को भी दूंगी। दीदियों में ये बदलाव आया कि दीदी अपनी जो कम उम्र की लड़की थी उसकी शादी करने की सोच रही थी, लेकिन कोहट में जब ट्रेनिंग में भाग ली दीदी की तो दीदी की समझ बनी कि ये तो गलत है, मेरी बच्ची भी छोटी है 18 साल से कम उम्र की है तो मुझे शादी नहीं करना है, और वो दीदी अपनी बच्ची की शादी रोक करके आज उसे पढ़ा लिखा रही। इन बदलावों को क्रांति कहना ज्यादा होगा, पर हाँ ये प्रयास एक सही दिशा में उठाया गया एक कदम जरूर है। नागरिकता की जानकारी, समझ और सोच से महिलाओं ने खुद अपनी समस्याओं को हल करने के रास्ते निकाले और बदलाव की पहल की। मैं जानता हूँ कि इस प्रकार से अगर वो इकट्ठा होकर अगर ये समूह अगर चलता जाए और उनकी सलाह अगर बनी रहे तो देश आगे के लिए जरूर प्रगति होगी। ये एक बड़े बदलाव को हासिल करने का फॉर्मूला साबित हो सकता है। गरीब तबके के नागरिकों को उनकी आवाज को बुलंद करने का और अपने हकों को पाकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का। नया दिन है, नई दिशा।